चलिए भाई, आई होप आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम दूसरा नाम भी देते हैं एक, और वो होता है सॉल्ट एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस बोला जाए या सॉल्ट एनालिसिस बोला जाए, एक ही बात है। अब सॉल्ट एनालिसिस कैसे होता है ये समझते हैं हम। इसके लिए आपको लैब में जाना पड़ेगा। आप लैब में जब एंट्री करते हैं तो लैब में एंट्री करते समय आपको वहां पर एक पर्सन दिखाई देता है, वो आपको एक कागज में पुड़िया दे देता है। ठीक है, उस पुड़िया को आप जब खोलते हैं तो उसमें कुछ पाउडर जैसा दिखता है। वो वाइट भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब वो आपको पाउडर नजर आता है तो आपके मन में एक ख्याल आता है कि इसको क्या करें। तो अब आंसर है इसका एनालिसिस करो। फिर सवाल आता है कि ये है क्या, तो ये सॉल्ट या सॉल्ट के मिक्सचर हो सकते हैं। इसका मतलब आपको जो दिया गया है वो मिक्सचर, वो सॉल्ट या उसके मतलब एक सॉल्ट या दो एक से ज्यादा सॉल्ट का मिक्सचर हो सकता है। आपको उसका क्या करना, एनालिसिस करना है। आपको उसका एनालिसिस करना है, मतलब क्या करना है, सॉल्ट एनालिसिस। अब सॉल्ट एनालिसिस करना है तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि सॉल्ट बनता कैसे। तो सॉल्ट आपका बनता है आपका NaOH प्लस HCl, ये बेस और ये एसिड, और ये जब मिलेंगे आपस में तो ये बनाएंगे NaCl प्लस H2O। अब इस सॉल्ट फॉर्मेशन को आप देखें यहां पे, तो आपका ये Na प्लस हो गया और ये आपका Cl माइनस हो गया। तो जब एक सॉल्ट बनता है तो एक सॉल्ट बनने पर जो कैटायन है कम्स फ्रॉम बेस, एनायन कम्स फ्रॉम एसिड। दोबारा बोलो, कैटायन कम्स फ्रॉम बेस, एनायन कम्स फ्रॉम एसिड। दोबारा बोलो, कैटायन कम्स फ्रॉम बेस, एनायन कम्स फ्रॉम एसिड। क्या बोला जल्दी बताओ, बोलो, कैटायन कम्स फ्रॉम बेस और एनायन कम्स फ्रॉम एसिड। तो यानी कि कैटायन जो होगा वो बेस से आएगा, एनायन आपका जो है वो एसिड से आएगा। इसीलिए कैटायन को बेसिक रेडिकल और एनायन को एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं। समझ गए? तो आपको एक नई चीज पता चली कि हमें एग्जाम में क्या दिया जाएगा। हमें एक सॉल्ट दिया जाएगा, हमें उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। सॉल्ट का एनालिसिस मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का एनालिसिस, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का एनालिसिस मतलब कैटायन एनायन का एनालिसिस, कैटायन एनायन का एनालिसिस मतलब बेसिक और एसिडिक रेडिकल का एनालिसिस, बेसिक और एसिडिक रेडिकल का एनालिसिस। तो आपको सवाल जब भी दिया जाएगा तो ऐसे लिया जाएगा कि आइडेंटिफाई दीज बेसिक रेडिकल्स, या लिखा जाएगा आइडेंटिफाई दीज एसिडिक रेडिकल्स। क्या दिया जाएगा, आइडेंटिफाई दीज बेसिक रेडिकल्स, या लिखा जाएगा आइडेंटिफाइड बाय दीज एसिडिक रेडिकल्स। तो आपको एक नई चीज सीखने को मिली कि सॉल्ट एनालिसिस के अंदर कैटायन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल, और एनायन जो बोलते हैं उसको एसिडिक रेडिकल। तो नोट करके लिखो, सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है, इसमें लिखो एनालिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन, एनालिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम गिवन मिक्सचर, एनालिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम गिवन मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्ट एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम गिवन मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्ट एनालिसिस। फिर गिवन मिक्सचर क्या होता है ये लिखो, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सॉल्ट्स, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सॉल्ट्स, ये आपका गिवन मिक्सचर होगा। ठीक, नोट करके लिखो, कैटायन एंड एनायन ऑल्सो कॉल्ड, कैटायन एंड एनायन ऑल्सो कॉल्ड बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल रिस्पेक्टिवली, कैटायन एंड एनायन ऑल्सो कॉल्ड बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल रेस्पेक्टिवली बिकॉज बिकॉज ड्यूरिंग सॉल्ट फॉर्मेशन, बिकॉज ड्यूरिंग सॉल्ट फॉर्मेशन कैटायन कम्स फ्रॉम बेस, कैटायन कम्स फ्रॉम बेस एंड एनायन कम्स फ्रॉम एसिड, कैटायन कम्स फ्रॉम बेस एंड एनायन कम्स फ्रॉम एसिड। क्लियर?
क्लियर हो गया? आया ना? अब इधर देखो, क्लियर सबको? अब हमें ये पता लग गया कि यार कैटायन और एनायन का एनालिसिस करना है, तो सवाल उठता है कि पहले किसका करें, कैटायन का पहले करें या एनायन का पहले करें? बहुत बड़ा डाउट है ये। कुछ बच्चे सोचते हैं कैटायन का पहले कर लो क्योंकि कैटायन पहले लिखा हुआ है फिर एनायन लिखा हुआ है। कुछ बच्चे कहेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलाओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एनायन पहले आता है कैटायन बाद में आता है, तो इस हिसाब से आप पहले कैटायन का मत करो पहले एनायन का करो, ये लॉजिक नहीं चलेंगे। लॉजिक क्या है वो समझाता हूँ। पहला, एनालिसिस ऑफ एनायन परफॉर्म्ड फर्स्ट, एनालिसिस ऑफ एनायन परफॉर्म्ड फर्स्ट फॉलोड बाय कैटायन, यानी पहले एनायन का टेस्ट आपको करना है, बाद में आप किस पर जाओगे? कैटायन पर। पहले किसका करना है टेस्ट बताओ? एनायन का। फिर किसका करना है? कैटायन का। बिकॉज क्यों करते हैं वो मैं बता रहा हूं। ये आपके क्या कहलाते हैं? इंटरफियरिंग रेडिकल्स। क्या कहलाते हैं? इंटरफियरिंग रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल आपके वो वाले रेडिकल नहीं, ऑर्गेनिक वाले। ठीक है, रेडिकल्स भी कहते हैं हम, हमारे जो आयंस होते हैं ना जिनको हम टेस्ट करते हैं उनको हम रेडिकल्स भी बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना, हमने बोला कि पहले किसका टेस्ट करें, तो आंसर था पहले एनायन का टेस्ट करें। किसका? एनायन का। हमने कहा कि पहले किसका टेस्ट करें, तो हमने कहा एनायन का टेस्ट पहले करो। क्लियर था? तो सवाल ये था कि एनायन का पहले क्यों करो, उसका रीजन है। ये कुछ एनायंस होते हैं जो कैटायन के टेस्ट को इंटरफेयर करते हैं, जो कैटायन के टेस्ट को इंटरफेयर करते हैं। अब यहां पर आपको ये बिल्कुल नहीं समझना कि कैटायन के टेस्ट को कैसे इंटरफेयर करते हैं, किसको करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, कब, कुछ नहीं। बस इतना समझो कि अगर ये हुए तो कैटायन अपना टेस्ट नहीं दे सकते। तो यानी अगर आपने पहले कैटायन का टेस्ट किया तो कैटायन का टेस्ट गलत आएगा। इससे बेटर क्या है? पहले एनायन का कर लो। एनायन के टेस्ट करते समय आपको पता चल गया कि ये हैं तो इन्हें निकाल लो और फिर कैटायन का लगाओ। इसलिए पहले कैटायन का नहीं किया जाता, पहले एनायन का किया जाता है। ठीक है, और ये जो इंटरफियरिंग रेडिकल्स होते हैं ना वो कैटायंस को इंटरफेयर करते हैं। कहां से? वो बताता हूं। जब हम कैटायन की बात करेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हम कैटायन को, हम आगे पढ़ेंगे। तो जब हम कैटायन की बात करते हैं तो कैटायन जो होते हैं उन्हें 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और एक अलग से ग्रुप रखा गया 0। तो जो 6 ग्रुप होता है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे ग्रुप हैं। ये एस ब्लॉक वाले ग्रुप नहीं है, पी ब्लॉक वाले ग्रुप नहीं है, पीरियडिक वाले ग्रुप नहीं है, ये अलग से ग्रुप हैं, कैटायंस के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, उसमें ये इंटरफेयरिंग रेडिकल थर्ड ग्रुप कैटायंस से इंटरफेयर करते हैं। कहां से इंटरफेयर करते हैं बताओ? थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम रखा गया है, क्रोमियम रखा गया है और Fe+3 रखा गया है। तो आपको नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इंटरफेयरिंग रेडिकल्स होते हैं वो थर्ड ग्रुप कैटायन से इंटरफेयर करते हैं, यानी थर्ड को भी इंटरफेयर करेंगे, फोर्थ को भी करेंगे, फिफ्थ को भी करेंगे और सिक्स्थ को भी करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन भी बच्चों को डाउट आ रहा है वो समझ लें कि कैसे इंटरफेयर करेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे। कैटायन में किन को इंटरफेयर करते हैं वो मैंने बता दिया कि थर्ड ग्रुप को इंटरफेयर करते हैं। ये भी बता दिया मैंने आपको कि 1 से 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है इनको, 0 ग्रुप अलग से रखा गया है, 0 ग्रुप को इंटरफेयर नहीं करते ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ को इंटरफेयर करते हैं। बस इतना समझ में आने के बाद अगर आपको मैं कहूँ कि पहले आप एनायन का टेस्ट लगाना चाहेंगे या कैटायन का, तो आई थिंक आप बहुत बुद्धिमानी का परिचय देते हुए कहेंगे कि यार पहले एनायन का टेस्ट कर लो और पता लगा लेते हैं कौन सी ये एनायन है कि नहीं है। अगर ये इंटरफेयरिंग रेडिकल्स है तो इन्हें हटा लो पहले। क्लियर? तो अब आपका एक काम हो गया यहाँ पे कि सवाल कहाँ से आएगा। इंटीजर सवाल होगा सीधा और आपसे बोलेगा इंटरफेयरिंग रेडिकल कौन से होते हैं बताओ, तो आपको इंटरफेयरिंग रेडिकल याद रखने हैं। क्लियर? क्या बोला? जल्दी बोलो। इंटरफेयरिंग रेडिकल कौन कौन से हुए? फ्लोराइड, ऑक्सलेट, बोरेट, फॉस्फेट, आर्सीनेट और सिलिकेट। इनके नाम भी लिख सकते हैं आप चाहो तो। इसको बोलते हैं हम फ्लोराइड, इसको बोलते हैं ऑक्सलेट, इसको बोलते हैं बोरेट, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, इसको बोलते हैं आर्सीनेट और इसको बोलते हैं सिलिकेट। दोबारा बोलो। फ्लोराइड,
ऑक्सलेट, बोरेट, फॉस्फेट, आर्सिनेट और सिलिकेट। क्लियर। तो अब हमें पता लग गया कि एनायन का टेस्ट पहले परफॉर्म करते हैं, कैटायन का टेस्ट बाद में परफॉर्म करते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ, पहले किसका करते हैं? एनायन का करते हैं, फिर कैटायन का करते हैं। क्लियर सबको आया ना? तो पहले किसका करते हैं? कैटायन का करते हैं और फिर एनायन का करते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि एनायन का जो टेस्ट आप करोगे तो कैसे करोगे? तो सुनो, क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन जो होता है वो सिस्टमेटिक नहीं होता एज दैट ऑफ कैटायन। जैसे कैटायन का मैंने सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन बताया आपको कि यार ये ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं 1 to 6, ऐसे कोई ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया इनको। ठीक है, तो नोट करके क्या लिख रहे हैं अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन इज नॉट सिस्टमेटिक एज दैट ऑफ कैटायन, हाउएवर, लेकिन फिर भी देयर वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी विद एसिड, यानी कि इनकी वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाने की जो टेंडेंसी होती है विद एसिड, उसके बेसिस पे इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लास ए क्लास बी। जल्दी बताओ, वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी के बेसिस पे, क्या बोला जल्दी बताओ मैंने, वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी के बेसिस पे, वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी के बेसिस पे इन्हें दो क्लास में डिवाइड किया गया, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए में उन्हें रखा गया जो वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे विद एसिड, क्लास बी में उन्हें रखा गया जो वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे विद एसिड। क्लियर, तो नोट करके लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन इज नॉट सिस्टमैटिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन इज नॉट सिस्टमैटिक एज दैट ऑफ कैटायन, हाउएवर देयर वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी विद एसिड, however their volatile product formation tendency with acid, however their volatile product formation tendency with acid, they are classified into two class, they are classified into two class, class A or class B, क्लास ए क्लास बी। ठीक है, क्लास ए के लिए लिखो, वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी विद एसिड, क्लास बी में लिखो, डू नॉट फॉर्म वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड, डू नॉट फॉर्म volatile product with acid, do not form volatile product with acid, but identified by their reactions in aqueous solution, but identified by their reactions in aqueous solution, identified by their reactions इन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्लास ए और क्लास बी में हमने डिवाइड कर दिया, ये आपके क्लास ए आ गया, ये आपका क्लास बी आ गया। क्लियर सबको? अब क्लास ए जो है उसके अंदर हमने क्या रखा था कि क्लास ए के अंदर उन्हें रखा गया है जो टेस्ट वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे विद एसिड, क्लास बी में वो रखा गया जो वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे विद एसिड। क्लियर। अब हम लैब में गए, हमने कहा साला अब बताओ एग्जामिनर, अब टेस्ट करके बताते हैं आपको। ठीक है, तो जब हम जाएंगे अंदर तो हम जाते ही हम शॉक्ड हो गए। क्यों? क्योंकि जब एसिड की बोतल को मैंने उठाया टेस्ट करने के लिए तो एक एसिड पे लिखा हुआ था डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 और एक पे लिखा था कंसंट्रेट H2SO4। तो मेरे डाउट आया नहीं आया कि कौन सा एसिड यूज करूं, डाइल्यूट लू या कॉन्सेंट्रेट। तो इसी बेसिस पे क्लास ए जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पहला सब ग्रुप 1 और दूसरा
सब ग्रुप टू। क्लियर? तो पहला आ जाएगा क्लास ए के अंदर सब ग्रुप वन और सब ग्रुप टू। सब ग्रुप वन जो होंगे वो आइडेंटिफाइड होंगे विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। वो किससे होंगे? डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से। और जो सब ग्रुप टू आइडेंटिफाई होंगे वो होंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से। ठीक है, अब कौन कौन से रखे गए वो देखो आप। इन सबके नाम याद होने चाहिए आपको। पहला कार्बोनेट, दूसरा बाइकार्बोनेट, तीसरा सल्फाइड, चौथा बाइसल्फाइड, पांचवा सल्फाइड, छठा थायोसल्फेट, एसीटेट और ये नाइट्राइट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर तो यहां रखे गए आपका इसका नाम तो आपको पता ही है, इसका नाम तो आपको पता ही है क्लोराइड। इसका नाम भी पता है आपको ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। इसका नाम आएगा बोरेट, इसका नाम आता है ऑक्सलेट, इसका नाम आता है नाइट्रेट। क्लियर? दोबारा से समझेंगे, इसका नाम आएगा क्लोराइड, इसका ब्रोमाइड, इसका आयोडाइड, इसका फ्लोराइड, इसका बोरेट, इसका ऑक्सलेट और इसका नाइट्रेट। क्लियर? अब इधर देखो, इसका नाम आपको पता है कार्बोनेट, इसका बाई कार्बोनेट, इसका सल्फाइड, इस सल्फाइट है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सॉरी सल्फाइट। इसका नाम होता है सल्फा बाई सल्फाइट, इसका नाम होता है सल्फाइड, इसका नाम है सल्फाइड, इसका नाम है एसीटेट और इसका नाम है नाइट्राइट। ठीक है, ये आपके सब ग्रुप वन में रखे गए, ये सब ग्रुप टू में रखे गए हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ऐसे कौन से आयन से, चार ऑप्शन देके पूछेगा कौन से आयन से जो डाइल्यूट H2SO4 से आइडेंटिफाई होंगे, तो आपको ये याद होने चाहिए ये सब डाइल्यूट से आइडेंटिफाई होते हैं। अगर आपसे बोले कौन से कंसंट्रेटेड H2SO4 से आइडेंटिफाई होंगे, तो आपको याद होने चाहिए कि ये सारे कंसंट्रेटेड H2SO4 से आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, अब इनको याद करना है तो इनको दो दो के हिस्सों में याद करो। सब ग्रुप वन में कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट है, याद हो गया। फिर सल्फाइड बाई सल्फाइड है, ये भी याद हो गया। सल्फाइड और थायोसल्फेट है, क्या बोला मैंने? सल्फाइड और थायोसल्फेट है, ये भी याद हो गया।
और ये आपका एसीटेट और नाइट्राइट है, ये भी याद हो गया, आया ना। ये आपके क्या हुआ, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, सल्फाइड बाई सल्फाइड, सल्फाइड थायोसल्फेट, एसीटेट और नाइट्राइट। चलो याद करो मन में फटाफट, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, फिर सल्फाइड बाई सल्फाइड, सल्फाइड थायोसल्फेट, एसीटेट और नाइट्राइट। ठीक, इधर आओ, इसको ऐसे याद रखो, चार हेलोजन, चार हेलोजन बी सी एन, चार हेलोजन बी सी एन, बी सी एन, चार हेलोजन बी सी एन मतलब बोरेट ऑक्सलेट नाइट्रेट, बोरेट ऑक्सलेट नाइट्रेट। तो चार हेलोजन बी सी एन, चार हेलोजन बी सी एन, चार हेलोजन बी सी एन मतलब चार हेलोजन आएंगे, बोरेट आएगा, ऑक्सलेट आएगा और नाइट्रेट आएगा, बोरेट आएगा, ऑक्सलेट आएगा और नाइट्रेट आएगा। तो चार हेलोजन बी सी एन, क्लियर। अब इधर देखो, यहां पर एक डाउट आएगा आपको कि ये NO2 है और ये NO3 है, और मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा चार हेलोजन BCN में कि N, N आप बोल रहे हो तो N NO2 माइनस था या NO3 माइनस, भूल गया, कोई टेंशन मत लेंगे, इसका की पॉइंट आएगा, आपका आंसर देके जाएगा, आपको बिना टेंशन के कर जाएगा। पूछो कैसे, पहले कौन लिखा है ये देखना था, बाद में देखना था, पहले टू आता है कि पहले थ्री आता है, पहले टू आता है ना, तो टू वाला इधर है, थ्री वाला इधर है, पहले ये है फिर वो है, तो टू वाला पहले फिर बाद में, यानी सब ग्रुप वन में टू वाला रखा गया, सब ग्रुप टू में थ्री वाला रखा गया। दूसरा, अगर आप ध्यान देते हैं इधर तो आपको क्या पता चलेगा, यहां पर देखो चार हेलोजन बीसीएन, बीसीएन में नाम बोलो बोरेट ऑक्सलेट और नाइट्रेट, तो यहां एट एट, तो यहां भी एट वाला ही आएगा और एट वाला होता है NO3 माइनस। लॉजिक से भी देख लें, एट एट तो अगला भी क्या आएगा एट, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहां NO3 माइनस रखा गया है। ठीक है, अब ये डाइल्यूट एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यहां पर आपको जैसे ही आपने एसिड डाला, ये मैं H+ मतलब यहां पर एक सिंबल है, ये इसका मीनिंग है कि टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड डाल दिया तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2। यहां पर भी जब आप एसिड डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2। यहां भी आप जब कौन सी गैस निकलेगी, SO2। यहां जब आप एसिड डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, SO2। यहां जब आप H+ डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, H2S। यहां जब आप डालेंगे तो ये मिलेगा सल्फर प्लस SO2, और सल्फर की येलो ये मैं बाद में लिखा दूंगा अलग से। इसमें जब आप डालेंगे तो आपका आएगा एसिटिक एसिड, और जब आप इसमें डालोगे तो आपका ये NO2 की ब्राउन फ्यूम्स, क्या निकलेगी, NO2 की ब्राउन फ्यूम्स। ये निकलेगा नहीं, ये नीचे आएगा, पीपीटी है ये। तो गैसेस जो निकली वो देखो आप, यहां CO2 निकली, CO2 निकली, SO2 निकली, SO2 निकली, H2S निकला, SO2 निकला, एसिटिक एसिड निकला और NO2- निकला, NO2 गैस निकली। क्लियर, जब आप यहां पर आप एसिड डालेंगे तो यहां क्या निकला, HCl निकला, यहां आप एसिड डालेंगे तो HBr निकला। क्लियर, नहीं यही डाउट आएगा बस आपको, यहां Br2 निकलेगा, यहां I2 निकलेगा, लेकिन यहां वापस HF निकलेगा। CO2, CO2 निकली, कार्बोनेट अगर हो और उसमें आपने डाइल्यूट HCl डाल दिया तो आपसे रिएक्शन पूछेगा, व्हाट हैपेंड व्हेन कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो आप तुरंत बोलोगे खट से CO2 गैस इवोल्ड, बाई कार्बोनेट विद डाइल्यूट HCl CO2 गैस इवोल्ड, बाई सल्फाइड SO2 गैस इवोल्ड, सल्फाइड SO2, सल्फाइड H2S, एसीटेट एसिडिक एसिड। तो ये सब आपको याद रखना है, ये चार्ट आपको आज जाके घर पे होमवर्क है, सबसे पहले इसको लर्न कर लेना। क्या बोला जल्दी बताओ, आज जाकर के आपको ये सब लर्न करना है अच्छे से। क्लियर, अब इधर देखो, Cl- HCl, Br- Br2। अब यहाँ डाउट आएगा, Cl- में जब आपने एसिड डाला, अच्छा एसिड कौन सा डाला, कंसनट्रेटेड H2SO4। एसिड कौन सा डाल रहे हो बताओ, कंसनट्रेटेड H2SO4। एसिड कौन सा डाल रहे हो बताओ,
कंसंट्रेटेड H2SO4। जब Cl- में आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो क्या निकला? HCl। लेकिन जब I- में डाल रहे हो तो क्या निकल रहा है? I2। Br- से ले रहा तो क्या निकल रहा है? Br2। F- से दे रहे हो तो HF। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि F- से तो HF बन रहा है, Br- से Br2 बन रहा है, Cl- से HCl बन रहा है और I- से I2 बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम बाद में पढ़ेंगे, यही तो पढ़ना है अभी, है ना? तो आप इसको होल्ड पे ही रखेंगे अभी, है ना? अभी आपको ये सब अच्छे से लर्न करना है क्योंकि दिस इज द बेसिक्स, यही पढ़ना है। मतलब आगे अगर ये दिमाग में नहीं उतरेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको पढ़ना क्या है। क्लियर? अब बात करते हैं कि टेस्ट करते कैसे हैं। तो जैसे मैं आपको लैब में गया, लैब में जाने के बाद ये टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, इस टेस्ट ट्यूब में ये मिक्सर डाल दिया, मिक्सर डालने के बाद इसमें आपने एसिड डाला। अब जब एसिड डाला तो CO2 निकली। अब आपको कैसे पता कि CO2 निकली है? कैसे पता? CO2 आके कहेगी हाय पुनिया मैं आ गई, हेलो पुनिया हाउ आर यू, नहीं ना? हमें क्या पता? यानी कि उसका भी कोई ऑब्जर्वेशन होना चाहिए जो हमारे को पता हो। तो उसका ऑब्जर्वेशन है कि CO2 जब बाहर निकलती है तो ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ निकलती है। कैसे? ब्रिस्क इफरवेसेंस, तीव्र बुदबुदाहट के साथ। ब्रिस्क इफरवेसेंस का मतलब हिंदी में क्या होता है? तीव्र बुदबुदाहट के साथ। ब्रिस्क इफरवेसेंस, तीव्र बुदबुदाहट के साथ, तीव्र बुदबुदाहट के साथ। अब ये कैसी होती है इसको भी देखो, फील करो। कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखिए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ऐसे शेक करो और खोल दो, अचानक से CO2 बाहर निकलती है बहुत ज्यादा। अचानक से CO2 बहुत ज्यादा बाहर निकलती है, हाँ यार। अचानक से CO2 जो है वो बहुत ज्यादा बाहर निकलती है। तो अगर अचानक से CO2 बहुत ज्यादा बाहर निकलेगी तो आप सोचो क्या होगा? वो जो बबलिंग करती हुई निकलती है ऐसे, उसी को कहते हैं ब्रिस्क इफरवेसेंस, उसी को कहते हैं तीव्र बुदबुदाहट। उसी को क्या कहते हैं? ब्रिस्क इफरवेसेंस। और उसी को क्या कहते हैं? तीव्र बुदबुदाहट। क्लियर? तो ये CO2 होती है ब्रिस्क इफरवेसेंस। SO2, SO2 का ऑब्जर्वेशन लिखना, सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। मर गया। कैसी होती है? सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर या पंजेंट स्मेल, दो लिखना इसके नाम। सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर मतलब समझना, कभी रास्ते में टायर जलते हुए देखा है? टायर जब टायर जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उससे जो स्मेल होती है वो वैसी स्मेल को कहते हैं अपन सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, क्योंकि टायर में सल्फर होता है, वल्केनाइज्ड सल्फर पाया जाता है उसमें। क्लियर? अगला देखो, अगले बात करें अपन किसकी? H2S। H2S का ऑब्जर्वेशन होता है रोटन एग स्मेल, यानी कि सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल। कैसी होती है वो बताओ? रोटन एग स्मेल। रोटन एग मतलब होता है सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल। क्या बोला बताओ मैंने? रोटन एग स्मेल, यानी कि सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल। ठीक है, अब सड़ा हुआ अंडा कैसा होता है अगर नहीं पता तो एक काम करना, 1 किलो अंडे खरीदना, बैग में डाल देना और फोड़ देना उनको। फोड़ने के बाद आप क्या करना, उसको पड़े रहने देना 10 दिन तक। 10 दिन बाद चेन खोलना, चेन खोलने के बाद ऐसे हाथ लगाना बैग के अंदर और रोटन एग स्मेल, मजा आ जाएगा आपको, फील आएगी दिल से, यस इट इज कॉल्ड रोटन एग स्मेल। क्लियर? अब ये S+SO2 का मतलब क्या है समझना, कि जब आपने टेस्ट ट्यूब लिया और उसके अंदर एसिड डाल दिया तो एसिड डालने पर SO2 तो बाहर निकलेगी और अंदर येलो या वाइट टर्बिडिटी दिखने लगेगी। अगर SO2 निकल रही है और अंदर येलो या व्हाइट टर्बिडिटी दिख रही है तो इसका मतलब कंफर्म है कि कौन है, इसका मतलब है कि कंफर्म है कौन है, इसका मतलब है कि कंफर्म है कि कौन है, बोलो, ये थायोसल्फेट है। SO2 भी निकली और नीचे येलो या व्हाइट टर्बिडिटी दिखाई दी तो इसका मतलब कौन है? थायोसल्फेट। फिर उसके बाद एसीटेट आ गया। अब एसीटेट में आपने एसिड डाला तो कौन सी गैस निकली? एसिटिक एसिड विनेगर स्मेल। क्या निकला? एसिटिक एसिड विनेगर स्मेल। कैसी स्मेल होती है इसकी? विनेगर स्मेल। कैसी स्मेल होती है बताओ? विनेगर स्मेल। अगला NO2। NO2 का होता है ब्राउन कलर। ठीक है,
कैसा होता है? ब्राउन कलर। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जब आपने एसिड डाला और एक गैस निकली कलरफुल ब्राउन, तो उसका मतलब NO2 था, बाकी सारी कलरलेस थी। ये सब कलरलेस गैसें हैं, ये सिर्फ एक है आपके ब्राउन। तो पहला सवाल, फर्स्ट सब ग्रुप में कौन सा ऐसा आयन है जिसकी गैस कलरफुल होती है? तो आंसर टिक करो, NO2-। ठीक है, दूसरा सवाल, चार ऑप्शन देखे, कौन सी गैस कलरफुल है? CO2, SO2, H2S और NO2, बताओ। NO2 कौन सी गैस है जो कलरलेस है? पहला SO2, दूसरा CO2, तीसरा H2S, चौथा ऑल ऑफ दीस। तो आंसर है ऑल ऑफ दीस। क्लियर? हमारे यहां व्हाइट अगर कभी आ गया तो व्हाइट को भी कलरलेस बोलना है। दोबारा बोलो, हमारे यहां अगर कभी व्हाइट आ गया तो उस व्हाइट को भी क्या बोलना है? कलरलेस। और व्हाइट एक ही बात होगी, कलरलेस और व्हाइट दोनों क्या मानेंगे? एक ही बात मानेंगे। क्लियर? अब इधर देखो, Cl- से आपका HCl बना, HCl का ऑब्जर्वेशन लिखो, व्हाइट फ्यूम्स। क्या? व्हाइट फ्यूम्स। क्या लिखा इसमें? व्हाइट फ्यूम्स। Br2 जो व्हाइट फ्यूम्स के अलावा एक और लिखो, पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल, इसका आइडेंटिफिकेशन, पंजेंट स्मेल। और एक और बात, अगर आप HCl जो है निकल रही है उसके पास ही अमोनिया सॉल्यूशन ले आए, सॉल्ट में जब भी NH4OH लिखा हो तो NH4OH का मतलब होता है अमोनिया प्लस वाटर, यानी अमोनिया सॉल्यूशन। अगर ये ले आओगे तो ये HCl से रिएक्ट करके NH4Cl बना देगा और NH4Cl की वाइट फ्यूम्स आएगी। लेकिन व्हाइट फ्यूम्स इस बार कैसी होगी? डेंस। ठीक है, तो व्हाइट डेंस फ्यूम होगी है। क्लियर? HCl की जो फ्यूम्स होगी वो कैसी होंगी? बोलो, व्हाइट फ्यूम्स। अभी अगर HCl बाहर निकल रहा है, और अगर HCl बाहर निकलने पर आप क्या है, एक ग्लास की रॉड को अमोनिया सॉल्यूशन में डुबो के यहां रखा देते हो, यहाँ लगाते इससे रिएक्ट करेगी ये तुरंत, और इससे रिएक्ट करने के बाद जो है वो क्या बाहर निकलेगी? बोलो, क्या बाहर निकलेगी? तुरंत बाहर निकलेगी थी क्या? व्हाइट डेंस फ्यूम, NH4Cl की। तो HCl कंफर्म हो गया। Br2 का लिखो, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। जो बाहर निकलती है तुरंत, तो कौन सी फ्यूम्स निकलती है? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। I2 का लिखो, वॉयलेट फ्यूम्स। I2 का लिखो, वॉयलेट फ्यूम्स। बोरिक एसिड लिखो, वाइट फ्यूम्स। CO प्लस CO2 में लिखो, CO के लिए लिखो कलरलेस गैस, CO के लिए लिखो कलरलेस गैस। ठीक है, दूसरा लिखो, बर्न विद ब्लू फ्लेम्स, बर्न विद ब्लू फ्लेम्स। बर्न विद ब्लू फ्लेम्स, बर्न विद ब्लू फ्लेम्स। और तीसरा, ये जब रिएक्ट करेगा इससे तो इसको रिड्यूस करेगा पैलेडियम में, और इस पैलेडियम का ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा। ठीक है, यानी कि अगर CO को पैलेडियम PDCl2 के सॉल्यूशन से पास करो तो पैलेडियम का ब्लैक PPT आता है, तो इससे भी पता लगता है कि वो गैस कंफर्म है कि CO है। तो तीन तरह से आप देख सकते हैं CO का ऑब्जर्वेशन, पहला तो कलरलेस है तो इससे आइडेंटिफाई नहीं होगी, दूसरा है बर्न विद ब्लू फ्लेम्स, तो अगर आप आगे ऊपर लाओगे तब ब्लू फ्लेम्स की फॉर्म में जलेगी। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऑथेंटिक है कि PDCl2 सॉल्यूशन में से CO को पास कर दो, तो पैलेडियम का अगर ब्लैक PPT दिखता है तो कंफर्म है यहां पर कि क्या है, क्या है? CO। अब इधर आओ, नाइट्रेट में, नाइट्रेट में भी कौन सी गैस निकल रही है? NO2। NO2 की कौन सी फ्यूम्स कलर होगा? ब्राउन फ्यूम्स। कौन सी? ब्राउन फ्यूम्स। तो इनकी भी ऑब्जर्वेशन लिख ली। क्लास बी के अंदर जो रखे गए वो देखो, अब क्लास बी के अंदर भी वही सब ग्रुप वन,
ये सब ग्रुप टू। ये सल्फेट है, ये फॉस्फेट है, ये आर्सीनेट है, आर्सीनाइट और एक क्रोमेट। चलो बोलो दोबारा से। देखिए यार, सल्फेट, ये फॉस्फेट, आर्सीनेट, आर्सीनाइट, क्रोमेट। सब ग्रुप वन ये जो है वो आइडेंटिफाई होंगे देयर पीपीटी रिएक्शंस। यहां नोट करके लिखना, सब ग्रुप वन आइडेंटिफाइड By their PPT reactions in aqueous solution, यानी कि अपना PPT reaction बनाएंगे तभी identify होंगे, क्योंकि ये volatile product नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि ये volatile product नहीं बनाते। ठीक है, उधर आओ, यहां लिखना आपको redox reaction। अब ये दो जगह आया है, क्यों? क्योंकि वो redox से भी identify हो जाता है और वो PPT से भी identify हो जाता है, इसलिए इसको दो जगह रखा गया है। ठीक है, तो किससे आइडेंटिफाई करेंगे इसको? रेडॉक्स रिएक्शन से। किससे आइडेंटिफाई करेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन से। किससे आइडेंटिफाई करेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन से। अब जो सवाल पूछेगा आपसे कि आपको चार ऑप्शन देके पूछेगा कि बताओ कौन सा ऐसा आयन है जो कंसंट्रेटेड H2SO4 से अफेक्टेड नहीं हो रहा है, तो आप जब भी ऐसा सवाल हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, साला कैसे करो इसको यार, तो दिमाग लगाओ। कंसंट्रेटेड H2SO4 से अफेक्ट होने वाले आयन्स ये हैं, ये नहीं है, क्योंकि ये किसी भी एसिड से अफेक्टेड नहीं है। तो चार ऑप्शन में अगर इनमें से कोई भी आयन आ गया तो वो एसिड से अफेक्ट नहीं करेगा, वो एसिड से अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो एसिड से रिएक्ट ही नहीं कर रहा। समझ गए? तो जैसे अब सबसे पहला काम आप ध्यान से सुनना, आज आपका होमवर्क ये है कि आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। अगर आपने ये लर्न नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बार बार इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। सब ग्रुप वन कौन सा, सब ग्रुप टू कौन सा, ठीक है, ये सब चलेगा। तो सब ग्रुप वन कौन सा, सब ग्रुप टू कौन सा, इसी पे सारी बातें आएंगी। तो ये सारे आयंस आपको याद होने चाहिए, उनके नाम याद होने चाहिए, उसके बाद ये कौन सी गैस देते हैं ये पता होना चाहिए, उस गैस का जो ऑब्जर्वेशन है वो पता होना चाहिए। ठीक है, उस पर सवाल आएंगे। जैसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन डज नॉट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। लिख लिया, पहला ऑप्शन Cl-, दूसरा ऑप्शन कार्बोनेट आयन, तीसरा ऑप्शन थायोसल्फेट और चौथा ऑप्शन है सल्फेट। आंसर जाएगा चौथा, डेली। क्यों? क्योंकि डेली सल्फेट है, वो अफेक्टेड ही नहीं होगा। क्लियर? दूसरा सवाल, जो भी एसिड, नोट करके लिख लेना इस बात को जो बोल रहा हूं, जो भी एसिड डाइल्यूट से अगर आइडेंटिफाई हो सकते हैं तो वो सब कंसंट्रेट से भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं। यार ऐसे समझो, कोई अगर एक घूसे में मर गया तो दो घूसों में तो मरेगा ही मरेगा, यानी जो डाइल्यूट से आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो सब कंसंट्रेट एसिड डालने पर तो आइडेंटिफाई होंगे ही सही। क्लियर? अब अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि क्लास ए में, क्लास ए में ऐसे कितने आयन्स हैं जो कलरफुल गैस दे रहे हैं, ऐसे कितने आयन्स हैं जो कलरफुल गैस देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ये होगा। कलरफुल गैस मैंने बताई थी रेडिश ब्राउन, वॉयलेट और ब्राउन, ये नहीं बताई थी, इसको कलरलेस बोला था मैंने। ठीक है, तो तीन गैस आई, वाइट, वाइट, वाइट को हमने कहा था कि कलरलेस मानेंगे इसलिए कलरफुल नहीं मानेंगे। सवाल फिर से बोल रहा हूं, ऐसे कितने आयन्स हैं जो क्लास ए में जो कलरफुल गैस देंगे, ऐसे कितने आयन हैं जो
कलरफुल गैस देंगे। ऐसे कितने आयन हैं जो कलरफुल गैस देंगे? तो ये आयन दे रहा है, हाँ, ये आयन दे रहा है, हाँ, ये वाला आयन दे रहा है, हाँ, तीन तो हो गए। क्लास ए के अंदर एक ये आयन भी आ रहा है, ये भी कलरफुल दे रहा है, चार आयन हो गए। कंसंट्रेट H2SO4 से देंगे, क्यों? क्योंकि जो डाइल्यूट से टेस्ट दे रहा है वो कंसंट्रेट से भी दे रहा है। उल्टा करो, लेकिन जो डाइल्यूट से आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो तो कंसंट्रेट से हो जाएंगे, लेकिन जो कंसंट्रेट से आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो डाइल्यूट से आइडेंटिफाई नहीं होंगे। दोबारा बोलो, वो डाइल्यूट से आइडेंटिफाई नहीं होंगे, वो डाइल्यूट से आइडेंटिफाई, बोलो, नहीं होंगे, वो डाइल्यूट से आइडेंटिफाई नहीं होंगे। क्लियर सबको? आया ला, क्लियर? तो अब पूछा उसने कि ऐसे कितने आयन हैं जो डाइल्यूट से रिएक्ट करके कलरफुल गैस देंगे, देख के बताओ। एक, क्योंकि ये सब तो कंसंट्रेट से देंगे, ठीक है। अगला, ऐसी कितनी गैसें, कलरफुल गैसें होंगी जो कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेंगी, सॉरी, क्लास ए के एनायंस का कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करवाने पर। दोबारा बोलो, क्लास ए का कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाने पर, क्लास ए का कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाने पर कितनी ऐसी गैसें हैं, कितनी कलरफुल गैसें बाहर निकलेंगी? सवाल समझना, कितनी कलरफुल गैस? तो एक कलरफुल ये रही, एक कलरफुल ये रही, एक कलरफुल ये रही, और एक ये रही, लेकिन ये तो कॉमन ही है, तो गैसें तो तीन ही निकलेगी, NO2, BrO2। आयन कितने थे? चार। गैसें कितनी है? तीन। सवाल समझना अच्छे से, ऐसे कितने आयन्स से जो कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करके कलरफुल गैस देंगे? ऐसे कितने आयन हैं जो कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करके कलरफुल गैस देंगे, बताओ। आयन चार हैं, एक, दो, तीन, चार। गैसें कितनी हैं? तीन, क्योंकि ये और ये तो सेम है। क्लियर? चलो अब एक सवाल, जब आप यहां पर सब ग्रुप में कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे तो आपके एक तो NO2 निकलेगी ब्राउन फ्यूम्स, और एक BrO2 निकलेगी रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। तो ब्राउन फ्यूम्स और रेडिश ब्राउन फ्यूम्स में आप कलर को ढंग से नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको एक सवाल पूछा जा रहा है कि इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप पानी में से पास करते हैं इनको। पानी में से पास करने पर अगर ब्रोमीन की BrO2 हुई, यानी कि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स किसकी हुई? BrO2 की, तो ब्राउन कलर दे देती है पानी को, यानी कि BrO2 इम्पार्ट ब्राउन कलर टू द सॉल्यूशन। BrO2 इम्पार्ट ब्राउन कलर टू द सॉल्यूशन। दोबारा बोलो, BrO2 इम्पार्ट ब्राउन कलर टू द सॉल्यूशन व्हाइल NO2 डज नॉट, यानी फिर NO2 डज नॉट, क्या बोला? NO2 डजंट, NO2 नहीं देगा, ठीक है। तो अगर आपकी ब्राउन फ्यूम्स NO2 की निकल रही है तो कलर नहीं दे रही, पता लग गया, और रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है तो पता लग गया, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, नोट करके लिखो, BrO2 इम्पार्ट ब्राउन कलर टू द सॉल्यूशन, टू द एक्वा सॉल्यूशन। BrO2 इम्पार्ट ब्राउन कलर टू द एक्वा सॉल्यूशन, BrO2 इम्पार्ट ब्राउन कलर टू द एक्वा सॉल्यूशन व्हाइल NO2 डजंट, व्हाइल NO2 डजंट। लिखो एक सवाल, लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज आइडेंटिफाइड बाय देयर प्रेसिपिटेट रिएक्शन एज वेल एज देयर रेडॉक्स रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज आइडेंटिफाइड बाय देयर प्रेसिपिटेट रिएक्शन एज वेल एज रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन देखो, सल्फेट, सेकेंड ऑप्शन सल्फाइड,
थर्ड ऑप्शन MnO4 माइनस, और फोर्थ ऑप्शन क्रोमेट। आंसर बताओ, सोचो। तो इसका आंसर आएगा क्रोमेट, दिल्ली। ठीक है, अब एक खास बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कि जितने भी एनायंस होते हैं, जितने भी एनायन, वो सब आइडेंटिफाइड किए जाते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन से, एक्सेप्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब ये एक्सेप्ट का मतलब एक्सेप्शन नहीं है, ये नहीं किए जाते इससे, क्यों, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा जब इसको बनाऊंगा कि क्यों नहीं कर रहे। आप खुद ही कह दोगे कि पागल हो गए इनका जो इससे करोगे टेस्ट। ठीक है, ये एक्सेप्ट का मतलब नहीं है एक्सेप्शन आ गया लर्न करना है, नहीं 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 इसका लॉजिक आएगा कि क्यों। ठीक है, तो नोट करके लिखा, अगला लिखो, ऑल द कैटायंस All the cations identified by all the cations identified by their original solution, identified by their original solution, identified by their ओरिजिनल सॉल्यूशन एक्सेप्ट NH4+। अब ये क्यों नहीं करते वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक की जो बात है वो अच्छे से आपको पहले लर्न करनी है, तभी हम सॉल्ट को आगे पढ़ पाएंगे, तभी आपको फील आएगी। ठीक है, अभी मैं एक जीरो जीरो मतलब सॉरी सॉल्ट एनालिसिस की एक सॉल्युबिलिटी वाली DPP अपलोड करूंगा, वो सॉल्युबिलिटी वाली DPP लर्न कर लेना अच्छे से, क्योंकि जो अगला लेक्चर आएगा वो उससे कनेक्टेड होगा, फिर बाद में मत बोलना। जब आप उस DPP को देखेंगे तो ऐसे देखना आप, ये DPP आपका फन पेज दिखेगा, इसमें बॉक्स बना बना के सॉल्युबिलिटी लिखी हुई है, उसको याद करने की बजाय आप पीछे पलटना तो पीछे स्टेटमेंट वाइज सॉल्युबिलिटी लिखी हुई है, तो आप वो पीछे जो स्टेटमेंट वाइज सॉल्युबिलिटी है उसको लर्न कर लेना अच्छे से। ठीक है, वो वही है जो मैं कॉपी में लिखवाता हूँ, ऐसे के ऐसे ही। क्लियर हो गया, वो अपलोड अभी कर दूंगा, आप आज आपका ये होमवर्क हो गया कि आप उसे लर्न करेंगे, संडे भी आ रहा है, थोड़ा एंजॉय ना करें, उसको अच्छे से लर्न कर लें ताकि आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप आप लर्न करेंगे, प्रॉमिस। ये होमवर्क आपको मिल गया, इस होमवर्क की इज्जत रखना, और इसको पहले तो आज वाला लेक्चर पूरा लर्न कर लेना, और एक वो जो अभी DPP आपको सॉल्युबिलिटी की अपलोड होगी वो लर्न कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आज इतना ही पढ़ाना था, इससे आगे नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि जब तक ये दिमाग में फिट नहीं होगा आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये लर्न करके आना, नहीं तो मैं नहीं जानता हूँ फिर। और सॉल्ट एनालिसिस पूरी केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा टॉपिक है, 16 नंबर का आता है सवाल, सीधा सलाह कॉम्प्रिहेंशन मैच द कॉलम सब भिड़ते। और अपने सीनियर से सलाह ले लेना, जिसने इसमें लापरवाही की है ना, रोया है वो, उसका सीधा सिलेक्शन रुका है, रैंक भी खत्म। ये बहुत छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत हाई फाई चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर कहीं भी आपने एक भी दिन इसको लर्न करने में लापरवाही रखी, तो जैसे हम बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आप जिम्मेदार है, मैं नहीं हूं। अभी जो IT देने जा रहे हैं ना, उनसे बात कर लेना एक बार, वो यही कह रहे हैं कि सॉल्ट भैया पढ़ लेना, लापरवाही मत करना, कोई भी होमवर्क मिस कर देना, लेकिन ये मत करना साला, ये मिस कर दिया ना तो पूरी केमिस्ट्री से भरोसा उठने लग जाएगा आपका, इसलिए डेली याद करना इसको। ठीक है, चलो मिलते हैं।